सांप है, अब क्या करूं? मुझे 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 लग रहा मुझे लग रहा था कि कुछ कुछ है वहाँ, कुछ कुछ गलत है। अब क्या क्या करेंगे? सांप सांप आ गया कर रहे हैं आप कुछ आइडिया दीजिए ना हमें भी। वहाँ हालत देखिए बच्ची की, वहाँ सांप आ गया क्या? आप मुंह के जल्दी बताइए ना। मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? आप एक्सपर्ट है, कुछ तो करिए ना। बच्ची की हालत देखिए, सांप आ गया उसके पास, कुछ कुछ तो करिए, कुछ तो भेजिए नीचे गड्ढे में यार। वो देखिए उसकी हालत देखिए बच्ची की। पर कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या करें बताइए ना। क्या कर सकते हैं? हम आपको बता दें कि पारो की हालत ठीक नहीं है। वो पहले इतनी बड़ी मुसीबत में है और अब ये नई मुसीबत, और गड्ढे में सांप आ गया है। जी हाँ, उस गड्ढे में सांप का बिल भी है और सांप अपने बिल से बाहर आ चुका है। जबकि अक्सर इतनी गहराई में सांप नहीं होते हैं, लेकिन वो है वहीं पारो के बिल्कुल पास, क्योंकि गड्ढे में जगह वैसे ही बहुत कम है। अब देखना ये है कि पारो को इतनी बड़ी और इस नई मुसीबत से कैसे बचाया जा सकता है। क्या बात है भगवान जी, सच में मैं अचानक से इतनी लकी कैसे हो गई? अचानक आप मेरे दिल की बात कैसे सुन रहे हैं? अचानक मुझे वो सब मिल रहा है जो मुझे चाहिए। एकदम सब ऐसा हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। अचानक पारो 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 मरने वाली है। भरो, भरो, बेटा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। हाँ, डरना नहीं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? नहीं होगा माँ, मैंने कभी वार का वार नहीं किया। शिव जी से बोलूंगी, मेरी बात सुन लेंगे और बुला लेंगे। भरो, भरो कोई बात नहीं, तुम तो बच्चे हो ना? बच्चे व्रत नहीं रखते। लेकिन पूजा तो की होगी तुमने? हमने भी बहुत शिव जी की पूजा की है। हम बोल देंगे शिव जी से कि उस सांप को अपने पास बुला ले और उस सांप तुम्हारे पास से। क्या आप कुछ सोचेंगे क्या करना है? कुछ तो कीजिए, कुछ तो आइडिया निकालिए, कुछ हम तो सब सिर्फ कहानियां सुना सकते ना। आपको करना है ना, आप एक्सपर्ट है ना, कुछ तो कीजिए। और वहाँ पे इतनी बड़ी जगह भी नहीं तो कि पारो साहब से दूर भाग सके। मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन प्लीज 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 कुछ करिए सर, प्लीज कुछ करिए। अपनी टीम से डिस्कस करिए क्या कर सकते हैं, प्लीज देखिए ना। बेटा डरना नहीं है, है ना? डरना नहीं है, जैसा मैं बोल रही हूँ ना बिल्कुल वैसे ही करना। तो एक काम कर, जहाँ से सांप चल रहा है ना, तू बिल्कुल उसके नीचे आ जा, उस तरफ आ जा। पागल हो तुम, क्या बोल रही हो? पारो बेटा, तुम जहाँ हो ना वहीं रहो, हिलना मत बिल्कुल। तुम जहाँ हो वहाँ बिल्कुल सेफ हो, ओके? नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं पारो, तू मेरी बात सुन, मैं बोल रही हूँ ना, जहाँ से सांप चढ़ा है ना ऊपर, बस तू उस तरफ आ जा, ठीक है? बिल्कुल डरना मत, बस बस धीरे धीरे आराम से ना उस तरफ आ जा, समझी? भगवान जी, अब वेट नहीं हो रहा है,
जल्दी से ये सांप पारो को काट ले बस।